स्वागत है रिलायंस क्लासेस एट नासिक के इस महत्वपूर्ण ट्रिक्स चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर बार आपको एक नया वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले आपको दो अलग अलग वीडियो दिए हैं, फिर मैंने स्टार्ट किया ये मेरा चैनल। मुझे आशा है आप सब इसको पसंद कर रहे हैं और इसे आप लाइक भी कर रहे हैं। लाइक करने के बाद जिन लोगों ने भी जो आज पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब कर ले। आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स किस तरह से फाइंड करना है, क्योंकि हम स्क्वायर तो कर लेते हैं, हमारे नियर अबाउट 1 से 20 तक के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं लर्न भी होते हैं, पता भी होते हैं। 196 का स्क्वायर रूट 14, 14 का स्क्वायर 196। जैसे यहां मैंने कुछ स्क्वायर लिख कर रखे, देखिए 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 55 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इसमें। हर एक यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, यहां पर 6 देखिए, 6 5 6 9 4 1 0। फिर से देखिए, 5 का स्क्वायर है 25, यूनिट प्लेस है 5, 4 का 16, यूनिट प्लेस 6, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस 6। मींस एक डायग्राम देखिए, 3 का स्क्वायर 9, नीचे देखिए 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, नीचे देखिए सीधा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे स्क्वायर यूनिट का जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर का वो सेम। ऑब्जर्व कीजिए इसमें 0, 1, 4, 5, 6, 9 एज यूनिट प्लेस आ रहे हैं। एक बात परफेक्ट है दोस्तों, ध्यान में रखिए, अगर आप 1 की जगह 11 भी ले लो तो उसका स्क्वायर आएगा 121, मतलब यूनिट प्लेस आएगा 1। अगर 21 भी ले लो तो यूनिट प्लेस आएगा 1। 10 की जगह आप 20 ले लो यूनिट प्लेस आएगा 0। 20 की जगह 30 ले लो यूनिट प्लेस आएगा 30 स्क्वायर ऑफ 30 इक्वल्स टू 900, मतलब यूनिट प्लेस आपका चेंज होने वाला नहीं है। अगर यूनिट प्लेस में ये नंबर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसके अलावा 2, 3, 6, 8 आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको पूछा जाए 2, 6, 6, 8 का स्क्वायर रूट क्या, यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों, 8, नॉन परफेक्ट स्क्वायर विद एक्स 8। तो आपका यूनिट प्लेस अगर 8 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही नहीं। सॉल्व करने में आपकी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स अगले। अगर आप ये सब वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, बाजू में जो पड़ोस में जो सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए, उसे हिट कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट अपडेट आपको आते रहे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। 1024 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आप लास्ट के दो डिजिट्स दे दीजिए। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 4, और देखिए 4 यूनिट प्लेस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, जिसके एंड में 2 होगा या फिर एंड में 8 होगा, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 आएगा। ठीक है, जो भी आप स्क्वायर रूट आप करिएगा उसका यूनिट प्लेस होगा 2 और दूसरा होगा 8, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, दोनों में से दोनों नहीं हो सकते। चलिए अभी आखिरी के दो डिजिट लीजिए, शुरू वाले दो डिजिट। यहां देखिए 0 से लेकर 100 तक ये 10 किसका स्क्वायर है, इसके नियर अबाउट कौन सा स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का 9, मतलब 10 के लगभग कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, मतलब इसका 10 प्लेस भी हमको मिल गया 3 और 3, मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 32 हो सकता है या 38। अब इसमें से कौन सा डिसाइड करेंगे, 32 है या 38, तो चलिए इसे भी डिसाइड करने का एक छोटा सा फार्मूला है। 3 का अगला नंबर क्या है 4, 3 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 4 इक्वल्स टू
थ्री फोर द ट्वेल्व। अब ये ट्वेल्व और टेन का कंपैरिजन कीजिए, ट्वेल्व और टेन इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, विच इज माइनर और विच इज मेजर। टेन लेस देन ट्वेल्व मतलब हमारा जो टेन है वो ट्वेल्व से लेस देन है, इसमें छोटा वाला जो नंबर है स्मॉल नंबर ये हमारा आंसर है। वन जीरो टू फोर का स्क्वायर रूट होता है 32। दोस्तों ट्रिक्स कैसी लगी, सिंपल है या नहीं? अगर है तो फिर से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर 3969, इसका लेना है स्क्वायर रूट। लास्ट डिजिट क्या है? नाइन। नाइन डिजिट देखिए थ्री और सेवन, मतलब इसके एड्स जो है थ्री और सेवन। इसका जो स्क्वायर रूट है उसका एड क्या आएगा, यू रिप्लेस थ्री और सेवन, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये दो नंबर तो हट गए। अब ये दो नंबर 39, 39 कौन से स्क्वायर रूट के पास में है? 39 है 36 स्क्वायर रूट के पास में। 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। तो यहां लिखते हैं 6, यहां लिखते हैं 6। ओके दैट्स क्लियर। अब ये अगर आपको क्लियर है तो भी नेक्स्ट 63 या 67 आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, चलो देखते हैं। 6 नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6 के नेक्स्ट डिजिट 7, 6 7 का 42, 42 और 39 इसका रिलेशन फाइंड कीजिए। 42 और 39 39 ये हमारा स्मॉलर नंबर है, मतलब छोटी संख्या, छोटा जो अंक है, छोटी जो संख्या है वो कौन सी, 39। तो हमारा छोटा जो है वो स्क्वायर रूट आएगा, मींस आपका स्क्वायर रूट आता है 3969 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 63। आप इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी स्क्वायर रूट आप इसे फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली। अब देखते हैं हम लोग और एक नया फास्ट कैसे करें। देखिए फास्ट कैसे करें, 6561 पहले दो डिजिट ले लीजिए, आखिर में क्या है एड्स क्या होता है, 1 से 1 किसका हो सकता है, 1 का या फिर 9 का, हमारा फाइनल 1 या 9 सीधा मन में रख लीजिए 1 या 9। अब 65 किसके स्क्वायर के पास है, 8 के स्क्वायर पास, मतलब 81 या 89 हमारा 10 क्या रहा, 8 into 9 नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 8 के नेक्स्ट डिजिट 89, 72 72 जो आपके पास 65 इससे छोटा है या बड़ा, 72 65 से बड़ा है, मतलब स्मॉलर नंबर इज आवर आंसर, 81 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6561। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर दीजिए। आपके पास इसके बाद और भी नए वीडियो मेरे आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार फिर से दिल से लिखता हूँ, आप लिखिए आपको वीडियो